नमस्कार दोस्तों, आर्यस डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में ब्लाउज का बैक नेक डिजाइन बनाना बताएंगे। तो इस तरह देखिए, इसकी लंबाई लिए हमने जितनी रखना है किंच ज़्यादा ले लीजिएगा। शोल्डर रखा है डबल फोल्ड करके रखा है 10.5 इंच, शोल्डर 6 इंच, आर्म होल भी 6 इंच लिया है, 3 इंच ली है गले की चौड़ाई। गले की चौड़ाई देखिए आधा इंच हम ज़्यादा बढ़ाएंगे, आप चाहें तो अपने हिसाब से 2.5 इंच भी ले सकते हैं। साइज रहेगा 34, ये साइज आप आगे और पीछे थोड़ी यानी बड़ी और छोटी साइज के लिए भी नाप ले सकते हैं। और लंबाई अपने हिसाब से ही रखनी है, जितनी लंबाई आप ब्लाउज की बनाना चाहते हैं उस हिसाब से ले सकते हैं। इस तरह से देखिए गले का निशान करेंगे, 1 इंच बढ़ाया है वहाँ पर, उसके बाद नीचे से 1.5 इंच और बढ़ाएंगे और यहाँ पर बराबर से मिला लेंगे। ये डिजाइन के लिए हमने यहाँ पर 1.5 इंच और बढ़ा लिया है। तो इस तरह निशान करने के बाद हमें निकाल लेना है इसे बुकरम के ऊपर। तो बुकरम के ऊपर देखिए इस तरह से निकालना है, वहीं से बिल्कुल गले का निशान इसके ऊपर निकाल लेना है, जो बाहर 1½ इंच बढ़ाया है वहाँ से लेना है। इस तरह से 2 डिजाइन इस पर यहाँ तक रहेंगी। अब इसे कट कर लेंगे इस तरह से। इसे बुकरम के ऊपर निकालने के बाद इसे कट कर लेना है। अब हमें अस्तर कपड़े पर सिलाई लगा लेनी है। अस्तर कपड़े को जोड़कर तैयार कर लेंगे, उसके बाद इसका जो गला है कट किया है उसे बनाना रहेगा। तो इस तरह देखिए सिलाई लगा ली है। अब जो कपड़ा एक्स्ट्रा है उसे कट कर देंगे, जहाँ पर ज़्यादा कपड़ा आएगा इस तरह से कट करके हमें बराबर कर लेना है। तो इस तरह देखिए कट कर लिया। गले को कपड़े पर रखते हुए एक सीधी सिलाई हमने देखिए डाल रखी है, उसके बाद बाहर वाली साइड से थोड़ा सा कपड़ा बचाना है इस तरह से फोल्डिंग के लिए। उसे इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे। तो ये हमने सिलाई इस पर इस तरह से लगा दी है। अब दोनों निशानों को मिलाकर रखेंगे, देखिए इस पर बराबर से मुड़ते हुए एक सीधा निशान कर लेना है कपड़े के ऊपर। तो ये हमने कर लिया और वहीं से मिलाकर रखेंगे इस गले को भी, और बराबर से पहले एक सीधी सिलाई डाल देंगे ताकि जब गले पर सिलाई डालें तो थोड़ा भी इधर करना है और गला बिल्कुल बराबर से बने। देखिए गले पर सिलाई जो नीचे वाला निशान है उसी से लगाना है जो बढ़ा कर लिया है। तो इस तरह हमने सिलाई लगा दी है, अब इसे कट कर लेना है। सिलाई लगाने के बाद इस तरह से देखिए कट करेंगे। तो ये हमने इस तरह से कट कर लिया, पूरे पर हमें कट लगा देना है। कट लगाएंगे ताकि ये फिनिशिंग के साथ गला अच्छे से पलट कर तैयार हो, तो कट लगाना ज़रूरी है। इस तरह से कट लगा देंगे। अब इसको पट्टी को अंदर की तरफ पलट लेना है और पलटने के बाद ऊपर से किनारे से एक सिलाई गले के ऊपर से लगा देंगे। चाहे तो प्रेस कर लें इस पर पलट कर अच्छे से तो भी ये बैठ जाएगा, नहीं तो इस तरह से सिलाई लगा दें। तो अब जो डिजाइन रहेगी तो उसकी सिलाई दब जाएगी। अगर आप सिंपल गला इस तरह से बनाते हैं तो उस पर प्रेस ही करें सिलाई, क्योंकि दिखे ना। अब इस पर जो डिजाइन रहेगी उस बनाएंगे तो सिलाई आप चला सकते हैं, क्योंकि डिजाइन बनाने के बाद सिलाई नहीं दिखेगी। अब हमें डिजाइंस के लिए पट्टियाँ तैयार कर लेनी है। सीधे कपड़े पर हमें इस तरह से पट्टी लेनी है, ज़्यादा चौड़ी नहीं लेंगे, उसी हिसाब से हमने कपड़ा कट किया और सिलाई लगा दी। अब इसको पलट कर सीधा करेंगे।
तो इस तरह से इसे पलट कर सीधा कर लेना है। और सीधा करने के बाद देखिए इस तरह से लगेगी, दो पट्टी इस साइड से लगेगी और दो इस साइड से, आधा आधा इंच ऊपर नीचे बढ़ा लें इस तरह से बराबर से मिलाकर, और चार कट कर लेंगे। सिलाई के लिए एक्स्ट्रा ले लेना है, बाकी यहाँ से नाप लेंगे तो कितना लेना है वो समझ में आ जाएगा, और फिर उसके नाप की कट कर लेना है। चार चार इस तरह से लेंगे और चार फिर नीचे जो लगेंगी वो छोटी लगेगी, तीन इस साइड लगेगी और तीन उस साइड, छह पट्टियाँ हमें छोटी लेनी है इस साइड से, पहले ये लग जाएगी फिर उसके बाद इसको नाप कर कट करेंगे। देखिए इस तरह लगाना है, एक एक इंच की दूरी लेते हुए, एक एक इंच की दूरी पर इसे लगाना है। अब यहाँ से इस वाली साइड को लगा लेंगे ऊपर की तरफ तिरछा करते हुए, तो यहाँ पर ये लगी रहेगी, सिलाई सिर्फ ऊपर लगानी रहेगी। अब यहाँ से ऊपर नीचे करते हुए निकाल लेंगे इस वाली साइड की पट्टी को, और फिर देखिए इधर ले जाकर बराबर से मिलाकर इस साइड भी सिलाई लगा लेना है। तो ये हमने देखिए इस तरह सिलाई लगा दी, ये पट्टियाँ इस तरह लगा दी। अब छोटी पट्टी लगेंगी साइड से, देखिए ऐसे तिरछा करके लगेंगी, तीन आएंगी, तीन इस साइड आएगी, तीन इस साइड आएगी। जैसे ये वाली पट्टी तिरछा हुई है, यहाँ से ये बड़ी वाली यहाँ से क्रॉस हुई है, उसी तरह इन तीनों को एक साइड तीन लगाएंगे, उसी तरह से तिरछा करेंगे। देखिए इस तरह से लगाना है, ऊपर वाली पट्टी के नीचे से रखते हुए बराबर से सिलाई लगा देंगे। चाहे तो आप इसे पेपर पर बना लें, दो हुई पट्टी का ये चौड़ाई इसके लिए है, तो डायरेक्ट गले पर भी बना सकते हैं इस तरह जैसा कि हम बना रहे हैं। अगर इस पर थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो इसे पेपर पर बना लें, गला निकाल कर पेपर पर पट्टी लगा कर सिलाई लगा कर इसे सेट कर सकते हैं। अब इस वाली ऊपर वाली पट्टी पर दोनों तरफ से सिलाई लगा दी है, ताकि ये पट्टी जो नीचे से लगाई है अच्छे से सिलाई के नीचे दब सके। अब यहाँ पर भी देखिए इस तरह से बराबर से बनाकर सिलाई लगा लेना है, नीचे वाली साइड से भी छोटी वाली पट्टी पर, ये जो डिजाइन बाद में की है ये सिलाई हमने लगा ली। सिलाई लगाने के बाद अब हमें डोरी ले लेना है। अब डोरियाँ भी यहीं से, डोरी से डिजाइन जो रहेगी यहीं से रहेगी, जहाँ से ये पट्टी हमने फर्स्ट वाली लगाना शुरू किया है वहीं से ये डोरी की डिजाइन रहेगी। छोटी छोटी सी डिजाइन इस तरह से क्रॉस करनी है, पहले तो डोरी बना लेनी है जैसा कि हमने यहाँ पर बना कर लिया है, और देखिए इस तरह से डिजाइंस रहेगी, छोटे छोटे से इस तरह से क्रॉस करते हुए डिजाइन रहेगी। यहाँ तक जब आएंगे तो दूसरी तरफ इसे मोड़ लेंगे इस वाली साइड, और इस वाली साइड भी वहीं तक बनाना है जहाँ तक कि पट्टी वाली हमारी डिजाइंस है, ऊपर से लेस से डिजाइंस रहेगी यहाँ तक ही, देखिए। तो इस तरह हमने यहाँ तक बना लिया है, उसके बाद लेना है हमें गोल्डन लेस। अब देखिए लेस को इस तरह लगाना है, गले वाली साइड बिल्कुल बराबर से लगाते हुए, यहाँ पर जो ये डिजाइंस जहाँ से शुरुआत की है वहीं से इसको इस तरह तिरछा करना है। ये जो कपड़े पर ये छोटा सा यहाँ पर कढ़ाई पर फ्लावर है वहीं तक पर ले आना है, वहीं पर मिला देना है इसे। चाहे तो पूरा साइड तक ले जा सकते हैं, लेकिन वहीं तक आएगा, बाकी तो सिलाई में ही जाएगा, इसलिए वहीं तक हमने कर दिया है, आप साइड तक ले जा सकते हैं। अब इन डिजाइनों पर जहाँ से पट्टियाँ क्रॉस हुई है इस तरह मोती लगाकर डिजाइने हमें पूरी करनी है। एक मोती बड़ी लगा देंगे, फिर उसकी चारों तरफ से छोटी मोतियाँ लगा देंगे। छोटी मोतियाँ पहले डाल लेंगे, जितनी आएगी इस पर लगभग आठ ही आएगी, जो साइज़ की हमने बीच की बड़ी वाली लगाई है आठ है ना मोतियाँ आएंगी, तो इस तरह डाल लेंगे और फिर इसके चारों तरफ से घुमाते हुए इस तरह लगा देंगे, और बीच बीच में थोड़ी थोड़ी दूरी पर और सिलाई इस पर डाल देंगे ताकि ये निकले ना यहाँ से। इसी तरह से हर एक पट्टी जहाँ से पट्टियाँ क्रॉस हुई हैं, दो लाइन है ये देखिए, दोनों पर ये लगेगी, और इस साइड से भी दो लाइन है तो दोनों पर ही ये लगेगी। उसके बाद जो डोरी वाली डिजाइन से गले के ऊपर से बनाई है उस पर भी हर डिजाइन के बीच में एक एक मोती करके लगा देना है। तो वही वाली मोती लेंगे जो यहाँ पर ले रहे हैं बड़ी वाली, और साइड से फिर इस डिजाइन को पूरा करने के बाद साइड की जो डिजाइन है उस पर भी हमें मोतियाँ लगानी रहेगी। पहले इस पर पूरा कर लेंगे, इसी तरह से पूरे पर लगाना रहेगा। तो देखिए हमने इस तरह से मोतियाँ लगा ली है, उसके बाद अब इसका लास्ट में प्लेट्स बना देंगे। तो इस तरह देखिए प्लेट्स बना देंगे,
तो ये डिजाइन हमारा तैयार हुआ। गले पर डोरी लगाएंगे, जिसे कि हम बाद में लगा लेंगे। उस पर भी हमने कपड़े की ही देखिए इस तरह से लटकन बना कर रखी है, और अब इस डोरी को बाद में हमें लगा देना है। अगर डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू डिज़ाइन के साथ। धन्यवाद।